नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपदा प्रभावितों के लिए राहत का बड़ा तोहफा, 5.91 करोड़ की अतिरिक्त ग्रांट जारी। जिला शिमला में बीते वर्ष आपदा प्रभावितों को राज्य सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था, जिसके तहत राहत राशि प्राप्त करने से छूटे प्रभावितों के लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी कर दी गई। विशेष राहत पैकेज की अतिरिक्त ग्रांट उपमंडल दंडाधिकारी जुब्बल, रोहड़ू, रामपुर, ठियोग, शिमला, ग्रामीण कुमार सैन और कोटखाई को जारी की गई। डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि बीते वर्ष आई आपदा के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था, इसी के तहत जिले में कुछ प्रभावित छूट गए थे, उनके लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी की गई है। कुलदीप पठानिया बोले, हिमाचल के मुद्दों पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर लेंगे राय। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वो मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करेंगे कि राज्य के मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। ये सत्र विधानसभा के सामान्य सत्रों से अलग होगा। पठानिया ने ये बात वीरवार को शिमला के विधानसभा परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। पठानिया ने अपने विदेश दौरे के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा बहुत कुछ है जिसे विकसित किया जा सकता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व कोरिया के पहाड़ी क्षेत्रों को जिस तरह से विकसित देखा है, उसी तर्ज पर हिमाचल को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। देहरा में आयोजित रोजगार मेले में साठ युवाओं को मिली नौकरी, विधायक कमलेश ठाकुर ने कही ये बड़ी बात। वीरवार को देहरा के शहीद भुवनेश डोगरा स्टेडियम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। लेबर नेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आयोजित इस मेले में नालागढ़ की दो प्रमुख कंपनीज मैसर्ज बैक्टर क्रीमिका और संधार टेक्नोलॉजिक यूनिट ने भाग लिया। रोजगार मेले में 80 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिसमें से 60 युवाओं का चयन किया गया। चयनित युवाओं को 13,000 से 15,000 रुपए मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। उन्हें ऐसी जगह गोली मारी जाए, संभल हिंसा पर हिमाचल के पूर्व सीएम शांता कुमार का बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि संभल का दंगा, पथराव, गोलीकांड, आगजनी और लूटमार की गूंज अब लोकसभा में पहुंची है और दो दिन से वहां कोई काम नहीं हुआ। इस प्रकार के दंगे, लूटमार और फिर लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति को जलाने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बहुत से लोग पकड़े गए, मुकदमे चलेंगे और अदालतों में कई वर्षों तक इन मुकदमों की गूंज गूंजती रहेगी। कचरे से बनाई जाएंगी सड़कें, आईआईटी गुवाहाटी के इंजीनियरिंग विभाग की अनोखी पहल, जानिए कैसे काम करेगी ये तकनीक। औद्योगिक और शहरी कचरे का निस्तारण करना निकायों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। शहर में कचरे के पहाड़ दिखते हैं, जिनके पर्यावरण अनुकूल निस्तारण को लेकर कई प्रयास चल रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की पहल औद्योगिक व शहरी कचरे के निस्तारण में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। खिलाड़ियों को ऐसे प्रोत्साहित करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को क्यों लगाई फटकार, जानिए मामला। क्या आप इस तरह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कुछ इसी तरह फटकार लगाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार से सवाल किए। दरअसल मामला 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी पूजा ठाकुर से जुड़ा है, जिन्हें राज्य सरकार में नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इसके बावजूद उन्हें कथित तौर पर नौकरी देने से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से नाराजगी जाहिर की। बेंच ने कहा कि क्या आप इस तरह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं? किसी ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, आपके मुख्यमंत्री को व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, लेकिन खिलाड़ियों के मामले में आपका दृष्टिकोण ये है। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए स्वर्ण जयंती मिडिल मैरिट स्कॉलरशिप योजना शुरू। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एचपी स्वर्ण जयंती मिडिल मैरिट छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा चरण में प्रतिभा की पहचान करना और उसका पोषण करना है। योजना के तहत मेधावी छात्रों का चयन राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ये परीक्षा राज्य स्तर पर SCERT सोलन के द्वारा आयोजित की जा रही है। सरकारी स्कूल के कक्षा 6, 7 और 8 में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। जब शख्स ने HRTC बस के आगे गाय बांधकर रोक दी सड़क।
ऊना जिले में एचआरटीसी बस रोकने का अजीब सा मामला सामने आया। ये मामला वीरवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। ये कुटलैहण क्षेत्र के गांव चपला का बताया जा रहा है। दरअसल एक अधेड़ आयु के व्यक्ति ने लोकल रूट पर जाने वाली एचआरटीसी की बस के आगे अपनी गाय बांध दी। जब चालक और परिचालक ने इसका विरोध किया तो गाय का मालिक कहने लगा कि जिस भूमि पर यह सड़क बनी है वो उसके बाप की है, वो किसी भी सूरत में बस को जाने नहीं देगा। इसको लेकर चालक और बस रोकने वाले व्यक्ति के बीच खूब बहस भी हुई। जगत सिंह नेगी बोले, बागवानों को बगीचे तैयार करके दे रही है एचपी शिवा परियोजना। बागवानी राजस्व और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने हमीरपुर जिले के किसानों से आग्रह किया कि वे पारंपरिक फसलों के अलावा आधुनिक सुविधाओं के साथ बागवानी को भी अपनाएं, जिससे उनकी आय में काफी वृद्धि होगी। गुरुवार सुबह हमीरपुर के निकटवर्ती गांव बकारटी और बरंडा में एचपी शिवा परियोजना के तहत लगाए गए मौसमी के बगीचों के निरीक्षण व बकारटी में स्थानीय बागवानों के साथ संवाद के दौरान जगत सिंह नेगी ने ये अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फल उत्पादन, विशेषकर नींबू प्रजाति के फलों को बढ़ावा देने तथा बागवानों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से प्रदेश सरकार बागवानों के लिए बगीचे तैयार करके उन्हें सौंप रही है। चैरिटेबल अस्पताल भोटा के लिए 7 जगह सड़कों पर उतरे लोग, 3 घंटे एनएचएम जाम। राधा स्वामी सत्संग व्यास के भोटा चैरिटेबल अस्पताल को बंद न किए जाने की मांग को लेकर वीरवार को भी प्रदर्शन का दौर जारी रहा। इस दौरान शिमला मटौर एनएच पर भोटा अस्पताल के बाहर, बड़सर, सलौड़ी, गलूर, भोरंज के सुलगवान, लदरौर और तरकवाड़ी लोग सड़क पर उतर गए। लोगों ने शिमला मटौर एनएच पर 3 घंटे तक धरना देकर चक्का जाम किया। बीते बुधवार को 5 घंटे तक लोगों ने यहां प्रदर्शन किया। लगातार दूसरे दिन लोगों का प्रदर्शन यहां पर जारी रहा। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च में करवाएगा 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 में वार्षिक परीक्षाएं करवाएगा। फरवरी में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बर्फबारी होना इसका कारण माना जा रहा है। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2250 के करीब परीक्षा केंद्रों का गठन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बोर्ड की ओर से करवाई जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण का कार्य शिक्षा बोर्ड प्रबंधन की ओर से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सीबीएसई बोर्ड की ओर से फरवरी में परीक्षाएं करवाने की बात कही जा रही थी। आईजीएमसी में न्यूरोलॉजी की ओपीडी नवी मंजिल में शिफ्ट, अब इस कमरा नंबर से होगा संचालन। मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए जहां न्यूरोलॉजी की ओपीडी के दिन बढ़ा दिए गए, वहीं इसके स्थान को भी बदल दिया गया। अब न्यूरोलॉजी की ओपीडी आईजीएमसी की नई मंजिल के 9th फ्लोर पर कमरा नंबर 914A में चलेगी। ये ओपीडी अब सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चलेगी। इस ओपीडी में औसतन प्रतिदिन 250 से 300 मरीज उपचार और आगामी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। मुरादाबाद में आईपीएस सलमा अफरोज। हिमाचल प्रदेश की चर्चित आईपीएस सलमा अफरोज इन दिनों अपने गृह जनपद मुरादाबाद में हैं और छात्राओं को जीवन में सफलता के मूल मंत्र बता रही हैं। उन्होंने बीते दिवस हबीबी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन गुरेर की छात्राओं से अपने अनुभव साझा किए। छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि हमारे अंदर जब तक देश और समाज सेवा का जज्बा नहीं होगा, तब तक सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसके लिए दृढ़ निश्चय जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मेहनत और लगन से काम करना होगा। मछली पकड़ने गया प्रवासी गोविंद सागर झील में डूबा, तलाश जारी। बिलासपुर शहर के साथ लगते लूणों में गोविंद सागर झील में एक शख्स डूब गया। जानकारी के अनुसार उसकी उम्र 32 वर्ष थी। अजीत उर्व सोनू पुत्र धनीराम उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।